गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूँ अभी भोपाल में अख्तर भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शादाब भाई, खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई फाइनली आज अपना कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। काफ़ी टाइम से इंतज़ार था आपको भी, मुझको और सारी पब्लिक को। तो अभी कैसा क्या करना है बताएं स्टार्टिंग के अंदर? बस शादाब भाई अभी बकरे आ रहे हैं और कंपटीशन तो हमने 2 बजे का रखा था और कोविड की वजह से थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ ना पड़े। बकरे भी गर्मी की वजह जी ऊपर ज़्यादा गर्माई के साथ धूप वगैरह में आए। अभी कहाँ कहाँ से मेहमान आ गए हैं? अभी तकरीबन भोपाल के 4-6 बकरे आ गए जी। और बाहर से मेहमान कौन कौन आए अपना कंपटीशन अटेंड करने? पूना से हाजी साहब आ गए, हाजी तोसी साहब जी। और पूना से टीम आई है जी, भाई के ग्रुप भी आ चुका है जी। और सकलेन भाई जी, टीम आई हुई है। बॉम्बे से मुजफ्फर भाई, मुंबई से मुजफ्फर भाई भी आए जी जी। और भी अपन से जिसको कहते हैं ना मालवा किंग जी, जो मालवा की टीम है सर जी जी, वो भी आ चुके हैं माशाल्लाह जी जी। और भोपाल के तो सारे उस्ताद ही हैं जी। तो क्या लगता है भाई अभी मतलब कुछ कंपटीशन में क्या होने वाला है आगे? आएगा शरद भाई, देखना कौन जीतने वाला, ऐसा कुछ है अभी? ऐसा कुछ भी नहीं है, बकरे सब जी आ रहे हैं और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ पब्लिक के सामने बकरे तोले जाएंगे ताकि और ज़्यादा मज़ा आए। बिल्कुल। तो चल के अपन देखते हैं अंदर का माहौल और सारा ही फुटेज कवर करते हैं। बिल्कुल आइए, मैं दिखाता हूँ। ओके शादाब भाई, देखिए एक बकरा इधर बना हुआ है ना, बड़ा बकरा है। हाँ, ये भी बकरा है, 150 प्लस है ये भी। वहाँ खड़ी हुई है जी। और बाकी 5 बकरे उस शेड के अंदर बने हुए हैं जी जी, है ना। वहाँ भी पब्लिक खड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको अभी वहाँ इसलिए लेके नहीं जा रहा कि लोग वहाँ पर गदर मचाएंगे। ठीक है, मैं आपको हमारे मेहमानों से मिलाता हूँ। तो भाइयों, आप लोगों ने जैसे पहले कभी देखा होगा कि 1 किलो 2 किलो की बॉटल या कोई पैकेट रख के हम लोग वेट करते हैं, लेकिन ये जो है बड़े बकरों का कांटा है, इसलिए हम लोग और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बड़े बड़े जो बांट हैं वेट के, ये चेक करेंगे। अब आसिफ भाई हमें रख के बताएंगे ये बांट। आसिफ भाई, ये बांट रखिए अंदर, बांट रख के बताइए जी। नहीं नहीं, वेट रख के बताइए आप। ये अभी 0 है। ठीक है, बंद कर दिए गेट। ये 19.5 किलो मतलब 20 किलो का बांट है ना? ठीक है, निकाल दे भाई, सारा वजन रखो, सारा वजन रख दो। ठीक है, पूरे बांट ताकि पता चले कैपेसिटी उसकी। ये 150 किलो का वेट है भाई, पूरा हो गया 150 किलो। हाँ, कुछ ग्राम कम रहता है उसके अंदर, तो वो पूरा बता रहा है 150 किलो के आसपास, कुछ ग्राम कम है बस। ठीक है, ये एक्चुअल कांटा है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ये वेट चेक करके बता रहे हैं। ये सरकारी वजन का कांटा है, आप ये बांट जो देख रहे हैं सब सरकारी हैं, लेकिन उसके बाद भी देखो ये कुछ ग्राम का फ़र्क आता है, जैसा कि इसमें 80 ग्राम का फ़र्क आया है टोटल बस। 150 किलो में ये 80 ग्राम का है बस, 150 किलो में। आज भोपाल में अपने गोल्ड हेडेड गोल्ड बकरों का कंपटीशन होने वाला है, इधर तो अपने इंडिया के लिए, लेकिन बाहर के बकरे आ नहीं सकते कोविड की वजह से। और यहाँ पर काफ़ी मेहमान आए हुए हैं हमारे, खासतौर से पूना से, मुंबई से। तो मैं चाहता हूँ कि रोटी भाई, आसिफ भाई, बाबर भाई, किसी भी ग्रुप ने या किसी भी बकरेबाज ने या किसी भी फार्म वाले ने या किसी भी चैनल वाले ने नहीं करा, पर ये कदम हम लोगों ने उठाया है भोपाल में फ्लैगशिप गोल्ड फार्म की तरफ से। और इस कॉम्पिटिशन को कराने का सबसे बड़ा मोटिव जो है हमारा, वो ये है कि जो भी बकरेबाज हैं, जो बकरे बनाते हैं, जो बकरों पर मेहनत करते हैं, वो लोगों के सामने आए और उनकी मेहनत सबको दिखना चाहिए कि वो लोग मेहनत करते हैं और कितना उनके ऊपर अपना हुनर दिखाते हैं। और उस हुनर के कदरदान जो लोग होते हैं वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि माशाल्लाह जिन्होंने भोपाल में सबसे पहले एक नया बेहतरीन और एक ऐसी चीज को खरीद कर
इतिहास बना दिया और उस बकरे की वजह से आज भी हिंदुस्तान में अगर किसी चीज़ का नाम लिया जाता है तो उस बकरे से उस नाम को, यानी हर बकरे को उस नाम से तुलना की जाती है। उस बकरे का नाम था कोहिनूर और उस कोहिनूर को बनाने वाले भोपाल के दो महान और होनहार और बहुत बुजुर्ग दो बंदे हैं और सबके उस्ताद हैं, सलीम भाई और इफ्तिखार भाई। कहाँ हैं आप, आ जाएं स्टेज पर। ये उम्र में बड़े हैं और इनका स्वागत मेरा दोस्त, मेरा यार और सबका भाई दोगी वो करेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोहिनूर को बनाया था, कोहिनूर को उखाड़ा, कोहिनूर को बनाया था और कोहिनूर को खड़ा करा था और उस कोहिनूर को खरीद कर वो पूरे इंडिया में रिप्रेजेंट जिसने करा था वो शख्स हैं हाजी तौसीफ साहब पूना के। मैं गुजारिश करूँगा नमस्कार और बाबर भाई से गुजारिश करूँगा बाबर भाई हाजी साहब को साफा बनाकर स्वागत करें। हाजी तौसीफ साहब इतने शौकीन इंसान हैं और जो हर साल काफ़ी नायाब बकरे खरीदते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। अब मालवा के किंग कहलाने वाले और हम सबके उस्ताद जिनका असल में उस्ताद नाम जो कहा जाता है उस्ताद वो वाकई में उस्ताद है और जहाँ सबकी उस्तादी और हुनर रुकता है फिर हमारे उस्ताद का हुनर चलता है। तो मैं गुजारिश करूँगा इंदौर की महान शख्सियत शरीफ उस्ताद स्टेज पर आए। सुलेमान भाई उनको सावन में और एक शौकीन और है हमारे मुंबई से आए मुजफ्फर भाई, उनको बहुत शौक है बकरे का और बकरे बाजों का और शादाब भाई के दोस्त हैं। मैं मुजफ्फर भाई से गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए और गोगी भाई और सलीम भाई उनका स्वागत करेंगे। यार ताली तो बजा दो तुम लोग यार अपने शहर के अंदर भी भाई एक छोटा सा नाम और है लेकिन वो बहुत तेजी से ऊपर आया है और बहुत तेजी से ऊपर आया है सकलेन भाई पूना से। मैं सकलेन भाई को गुजारिश करूँगा सकलेन भाई ऊपर आना और भाई साहब उनको साफा पुना। सकलेन भाई वो आदमी है जो भोपाल में छोटे बड़े सारे बकरे जो बचते हैं ना इनमें वो सारे खरीद लेते हैं माशाल्लाह और सबकी सबके चेहरे पर जो उदासी होती है उसको दूर कर देते हैं। और भाई मैं आप लोगों को एक नए बकरबाज से मिलाना चाहता हूँ जो अपकमिंग बकरबाज में आएंगे इंशाल्लाह और आप लोगों को आप लोगों की एक तरीके से देखी जाए कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए उनको। कासिम भाई पूना ये भाई हमारे भाई है। भाई देखो आप लोगों को पूरा सपोर्ट चाहिए कासिम भाई की माशाल्लाह और उस्ताद उनका स्वागत कर रहा है। तो कासिम भाई अभी 3 दिन भोपाल में माशाल्लाह हमारे और भाई साहब के नाम से सम्मानित करते हैं। शरीफ उस्ताद भाई साहब का स्वागत करेंगे। कहूँगा भाई का स्वागत करें उस्ताद।
काफ़ी खरीदी करते हैं बकरों की और बहुत अच्छे रेटों में सबके बकरे लेके जाते हैं यहाँ से। अपने आप में खूबसूरती में लाजवाब है और भाई ये बकरा
चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, खाली शो कराना है पब्लिक को हम लोगों को। देखिए आप माशाल्लाह बकरे को, अल्हम्दुलिल्लाह 135 किलो, 135 किलो तो भाई फरमाया भाई। देखिए बकरे को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने पहली बार 135 किलो का बकरा लाइव वेट तुम रहा है, जिसका नाम है खन्नायक, और वो सेल हो चुका है ऑलरेडी। माशाल्लाह खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं इस बकरे की, और मालवा नस्ल के अंदर माशाल्लाह काफी खूबसूरत बकरा है ये, जो आपको सिर्फ पब्लिक को शौक कराने के लिए दिखाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए, और हमारे शोएब भाई कह रहे हैं ये बकरा अवेलेबल फॉर सेल है, तो जिस किसी भी भाई को चाहिए वो शोएब भाई से कॉन्टेक्ट कर लें, बड़ा मालवा है ये। देखिए भाई लोग आप, हमारे शोएब भाई का बकरा है ये, और शोएब भाई हमारे ये व्हाइट कुर्ते पजामे में माशाल्लाह खड़े हुए, सुल्तान मिर्जा नाम है बकरे का, और हमारे शोएब भाई भी सुल्तान मिर्जा बने हुए हैं, तो शोएब भाई के लिए तालियां। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सभी भाई लोगों को, और मैं यहाँ पे एक बहुत जानी मानी हस्ती हमारे अंसार भाई को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे उनके सम्मान के लिए, जो कि पहला ऐसा शख्स है भोपाल बम्बई से भोपाल पल्सर से आ गया था बकरों के शौक में, और ये शौक का लेवल है। सभी भाई तालियां बजाएं इनके लिए, अंसार भाई आइए। और हमारे आदिल भाई जो अंसार भाई के सबसे करीबी दोस्त थे, और इनके बच्चे अंसार भाई से मामू बोलते हैं, तो ये अंसार भाई का स्वागत करेंगे, तालियां। भाई मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए, और थोड़ा सा भाई दोनों जुनैद भाई को बुलाना चाहूंगा, सलीम चौक वाले जुनैद भाई जिन्होंने पंजाबी सबसे बड़ा पहली बार भोपाल में प्रेजेंट करा था, इतने बड़े हाइट का बकरा शायद ही किसी ने देखा हो, तो भाई आप भी आइए। भाई ये जुनैद भाई ने सबसे बड़ा पंजाबी बकरा भोपाल को दिखाया था, के मत आया यार भाई, भाई लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ। कितना बेटा है जगत भाई? 131 131 माजरा सोनी भाई के लिए तालियां।
सोनू भाई माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई ये बकरा दो दिन से खाली है क्योंकि इसे चलना था और ये चला नहीं है, अभी आज की डेट में ये चला जाएगा इंशाल्लाह। और ये तैयारी पहली बार के साथ हमारा सोनू भाई ने करा है, बकरा आपके सामने है माशाल्लाह। ये हमारे इमरान भाई हैं माशाल्लाह, काफी बड़ी हाइट के बकरे पालने के लिए मशहूर हैं। ¡Gracias!
बंदा शरीफ भाई को ट्रॉफी देना चाहते देंगे, इकराम भाई की, उसको बुला लो मुहिम को, भाई मुहिम भाई कहीं पर भी हो स्टेज पे आ जाए, मुहिम भाई, मुहिम भाई 150 किलो का बकरा था मुहिम भाई का, ये मुहिम भाई हमारे इनका 150 किलो का बकरा था, सकलेम भाई हमारे मुहिम भाई को ट्रॉफी देते हुए 150 किलो कोटा भाई सामने यहाँ पर, भाई सामने कर दीजिए यहाँ पर, अरे हाथ जी करो भाई, भाई वो भाई जी करो, मैं आप लोगों को एक मुझे बुला रहा था चाहता हूँ जो हमेशा केंद्रीय के पीछे रहता है उसका मुझे आवाज़ सुनना और माशाल्लाह उसके चैनल और उसके केंद्रीय की वजह से काफ़ी लोगों के बकरे और काफ़ी लोगों को उससे बहुत आसानी और सहूलियत होती है। उनका नाम है, उनके चैनल का नाम है शाला नेशनल बकरा टीम, नेशनल बकरा टीम। ये मेरा भाई जो इंग्लिश चैनल का ओनर है, फाउंडर है और मेरे मालिक है जो इंग्लिश चैनल को चलाता है और मेरे फ्लैगशिप ग्रुप को भी शादा भी रन करता है, उसके पेज को, उसकी सारी वीडियो को, और शादा बहुत ज़बरदस्त स्पीड में आगे है और बकरे वालों के लिए एक तरीके से कहा जाता ना कि दवाई में आगे राम बाण है, तो बकरे वाले में हमारा शादा राम बाण है, जिसको भी बकरे बेचना है वो इंग्लिश चैनल के थ्रू अपने बकरे बेचता है और सबको शादा से फ़ायदा होता है, पर ये कभी किसी के सामने नहीं आता, तो मैंने आज सोचा कि आज ये सबके सामने आए तो सबको अपना चैनल देखा, वो शादा का एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है जो शादा हमेशा अपनी हिंदी में बोलता है, मैं चाहता हूँ शादा सबके सामने बोले। हेलो गाइस, माय नेम इज शादा, आदिल भाई साइड में भाई शुक्रिया हाजी साहब, कैसे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेहमान हमारे आए हैं सेंटर में, जो मेहमान हमारे आए हैं मैं चाहता हूँ बाबर भाई सबको एक एक ट्रॉफी दे और उनका सम्मान करें, तो जो मेहमान है हमारे सबसे पहले मैं भोपाल के यानी मध्य प्रदेश के जो उस्ताद हैं शरीफ भाई को बुलाऊंगा और बाबर भाई से कहूँगा कि शरीफ भाई को ट्रॉफी दें, शुक्रिया शरीफ भाई आपका भोपाल आने के लिए बहुत बहुत, शरीफ भाई के लिए जरूर मिलते हैं माशाल्लाह, और जो शरीफ उस्ताद का काम भी देखते हो शरीफ भाई के साथ, हमारे दूसरे मेहमान उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, सकलेन भाई पूरा बाबर भाई आप उनको ट्रॉफी देंगे, ये बाहर वालों की ट्रॉफी हो भाई, सामने जाओ भाई सामने, शुक्रिया सकलेन भाई, यासिर भाई ऊपर आए स्टेज पे, यासिर भाई आइए स्टेज पर आओ उधर, ये जावेद लोग ज़्यादातर जावेद को जावेद की बेड इमेज की वजह से जानते हैं,
थे, पर दिल का बहुत साफ लड़का है और जिसके भी साथ बोला होता है वो ये नहीं देखता कि गलती किसकी है, पर अगर कोई भी उसके पास चला जाए तो वो फौरन उसके लिए खड़ा हो जाता है। ये इसकी अच्छाई है और ये इसका दिल है। तो जो भी लोग जावेद के लिए कुछ भी कहते हो पीछे, लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छे दिल का मालिक है। और हर इंसान जिसके लिए तकलीफ होती है जावेद उसके लिए खड़ा है माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, तो हमेशा चाहूँगा ये हम लोगों के साथ रहे। दो लफ्ज़ दो बोल जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी भाइयों का सवाल करता हूँ और जितने हमारे भाई आए हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या होता है कि सोचकर समझ लो कि कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे कभी थोड़ा सा मसला हुआ हमारे घर और हम देख नहीं पाए अच्छे बुरे का। और ये है कि हमारे अख्तर भाई ने, गोभी भाई ने, हमारे भाई ने माशाल्लाह ये कॉम्पिटिशन रखा और आप लोगों की दुआओं से सक्सेसफुल किया। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इससे अच्छा और इससे अच्छा करके दिखाएंगे और आपको जैसा जान कर लाएंगे वैसे इंशाल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी ट्रॉफी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। केस पे आ चुके हैं, ये भी बाहर से आए, ये भी मुंबई से आए और पहला भोपाल में बाइक से आने वाले शख्स यही है अमन खान भाई। और अब हमारे हमारे सबके बड़े रिस्पेक्टफुल बाबर भाई जिनको हम लोग सब भाई साहब के नाम से जानते हैं, ये उनके सम्मान में है जिन्होंने हमारा इस कंपटीशन को करने में बहुत हेल्प करी। सारे बड़े भाई बाबर भाई जिनको सब भाई साहब के नाम से जानते हैं। और भाई मैं गुजारिश करूंगा जो भी मेरे साथ मेरे भाई विनेश गुरु गोल्ड फार्म पर मेरे साथ है, तो विनेश गुरु भी मेरे साथ है, वो एक बार स्टेज पर आ जाए। आज मैं अपने पूरे ग्रुप का आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो फ्लैक्स है। एक्चुअल में जो मेरा ग्रुप है फ्लैक्स है ग्रुप, वो महंगो का ग्रुप है और ये महंगे की शुरुआत हम लोगों ने तकरीबन 2007 से शुरू करी थी भोपाल में। तो हम लोग पहले मुंबई में खेला, फिर हैदराबाद, फिर पुणे। और पुणे की मेंढेबाजी किसको नहीं मालूम। अब अपने आपके सामने पुणे के मेंढेबाजों को भी मिल पाऊंगा। अशरफ भाई, जनेद भाई, अशरफ भाई को बुलाऊंगा। ये हमारे ब्रेकशिप ग्रुप में बहुत जबरदस्त और हमारे साथ है हमारे मेंढेबाज में। और मैं पुणे से एक शख्स को बुलाऊंगा जो हमारे साथ मेंढेबाजी के अंदर हमारे उस्ताद जिनसे हम फर्स्ट टाइम मिले और उनका स्वागत हम लोगों ने भोपाल स्टेशन पे किया। कलीम भाई, कलीम भाई पुणे। ये भी हमारे ब्रेकशिप ग्रुप के हैं। और एक हमारे नवयुवक और होनहार नए जो मेरे साथ है जासिम भाई पुणे, उनके गुजारिश करूंगा वो भी ऊपर आए। सलमान भाई आप क्या बड़ा हुआ ये हमारा ब्रेक से ग्रुप है भाई पुणे। शादाब भाई मैं गुजारिश करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा आपसे गुजारिश करूंगा शादाब भाई कि ऊपर आए उस ग्रुप पे सबको भी मेडल जा रहा हूँ। ठीक है जासिम भाई, शुरू करो भाई।
इनका सम्मान हमारे उस्ताद शरीफ भाई मालवा की शान करेंगे। हमारे जावेद भाई भोपाल की आन बान शान